अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ईकैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपका टीचर मुजम्मिल असलम इस वीडियो में आपको एक बुक रिकमेंडेड करूँगा फॉर ईकैट एंड एमकैट प्रिपरेशन। एक्चुअली वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल से या किसी टीचर के थ्रू या वट एवर आप किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते या पास पेपर्स को सॉल्व नहीं करते तो उन सीखी हुई शॉर्ट ट्रिक्स का या उन सीखे हुए लेक्चर्स उन कॉन्सेप्ट्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। आपको पता नहीं चलेगा रियलिटी, आपको आपको पता नहीं चलेगी कि एग्ज़ाम्स में ई कैट के या एम कैट के पेपर्स आते किस तरीके के हैं, उनमें कंडीशंस किस तरीके से दी जाती हैं। तो ये जो बुक आपके सामने एक आ रही है ये बुक एक लेटेस्ट एडिशन है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, तो आप इनको परचेज़ कीजिए। अच्छा, बेसिकली इस बुक का आपको बेनिफिट ये होगा कि इसमें आपको पास पेपर्स दिए गए हैं और जब आप किसी लेक्चर को सीखते हैं, किसी टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, तो आप क्या करें कि आप इस बुक को ओपन करें, उस टॉपिक को निकालें, उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करें, फिर पास पेपर्स को सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। एंड सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको आप जब आप पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आप डिफरेंट सिचुएशंस कंडीशंस से जो है वो आप उन्हें सॉल्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं और टाइम मैनेजमेंट आपको आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो रही होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है। और सबसे अहम ये कि पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज होते हैं वो बाज़ औक़ात रिपीट भी हो जाते हैं। सो काइंडली आप इस बुक को अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं एनडीओ या दाऊद के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज़ कर लें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।